होता क्या है ना हमारी सोसाइटी में कि लोग डिग्री सिर्फ दो चीज के लिए लेते हैं, पहला होता है प्रेस्टीज और दूसरा होता है सिक्योरिटी। मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि आपके पास बहुत डिग्री है, और मैंने बहुत लोग के पास देखा है कि यूजीसी नेट उन्होंने 2 बार निकाला है, 3 बार निकाला है, 4 बार निकाला है, लेकिन उनके पास ना ही सिक्योरिटी है और ना ही उनके पास प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज को तो चलो साइड में रखो, प्रेस्टीज तो बहुत सारे दूसरे काम करने से भी मिल जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा से मैंने सुना है कि डोंट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू बिकम रिच। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं वो कौन से दूसरे जॉब करियर्स हैं जो कि आप कर सकते हो आफ्टर यूजीसी नेट एग्जाम। सो लेट्स गेट इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट इट। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस बाय साक्षी पटेल। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज पेजेस बाय साक्षी। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपका होता है अगर वो क्लियर हो गया इन केस, तो उसके बाद वो पांच कौन से करियर्स है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो नंबर वन थिंग इज कि आप जिस भी टाउन में रहते हो, सिटी में रहते हो, वहां पर जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है तो प्लीज वहां पर जो गेस्ट लेक्चरर होता है, ठीक है, आप उसका फॉर्म फिल करिए। अगर आपको उसमें ले लिया जाता है देन इट्स ग्रेट, आपको 18,500 की सैलरी साथ में मिलेगी और उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, प्लस आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो आप दो चीज कर सकते हो, आइदर आप एमफिल का एग्जाम दे सकते हो, आइदर आप पीएचडी कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एमफिल एंड पीएचडी? एमफिल जो है दैट इज मास्टर्स इन फिलोसफी। ओके, सो काइंड ऑफ थिंग आप कर सकते हो, ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी इज ऑल अबाउट द 3 ईयर्स, सो यू कैन डू पीएचडी एज वेल एज एमफिल, ये आपके लिए अच्छा होगा। एमफिल अगर आप पहले कर लोगे तो कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपको कोर्स वर्क नहीं करना पड़ेगा पीएचडी में, आइदर आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा पीएचडी का, तो लॉट्स ऑफ अदर स्टफ, लेकिन डिफरेंट कॉलेजेस के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाल लोगे, ओके, मान लो कि आपका सिर्फ नेट निकला हुआ है, जेआरएफ नहीं निकला है, तो डायरेक्टली आप जाके पूरे के पूरे इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो और आपको एक अच्छी खासी सैलरी 40,000 की लगभग मिल सकती है। नाउ मान लो अगर आपका जेआरएफ निकल गया, ओके, क्योंकि जेआरएफ इज ऑल अबाउट द स्कॉलरशिप, तो आपको तुरंत में ही हर महीने 35,000 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी जो कि अराउंड 40,000 होती है, तो अप्रॉक्स आपकी सैलरी बहुत अच्छी पैकेज की हो जाएगी, एक सीनियर प्रोफेसर की जितनी आपकी सैलरी हो सकती है, वो भी बहुत ही स्टार्टिंग में। ओके, तो आप सोच सकते हो कि बाद में आपकी सैलरी क्या होगी। नाउ लास्ट थिंग जो कि मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपने नेट निकाल लिया है तो आपके पास एक और करियर ऑप्शन है, और वो ये है कि जितने भी PSU होते हैं, PSU मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट जॉब और जितनी भी बड़ी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, वो दोनों मिलकर जो कंपनीज बनाते हैं, जैसे कि NTPC और ONGC, वहां पर हर बार जॉब निकलती है और वो आपके नेट के स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी उसमें ऐसा कुछ आता है कि हमको मान लो HR की ज़रूरत है या फिर मैनेजर की ज़रूरत है, तो ये बहुत ही अच्छे पोस्ट होते हैं जिनकी सैलरी अप्रॉक्स 75,000, 80,000 और हायर आप बोलोगे तो बहुत कुछ जाती है, कंपनी वाइज वो वैरी करती है, तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉर गॉड से कुछ अच्छा आप कर सकते हैं NTA नेट के बाद, तो सिर्फ बैठे ना रहें और भी कुछ डिफरेंट ट्राई करते रहें। सो या दिस इज ऑल अबाउट इट। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताऊंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वो कौन से टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। मैं एवरी डे जॉब रिलेटेड और एग्जाम्स रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूं। एंड या दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड सी यू बाय द नेक्स्ट वीडियो।